How to lose weight during Ramadan. Weight loss with intermittent fasting and keto diet during Ramadan. Ramadan diet for thyroid and PCOD problem. Hey friends, welcome to Diet Burp, where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टिप्स टू रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग रमादान, रमादान टिप्स फॉर हाइपोथायरॉइड एंड वेट लॉस, Ramadan tips for PCOD and PCOS problem and weight loss. Special tips और sample diet plans भी हम देखेंगे और keto diet और intermittent fasting को ध्यान में रखकर Ramadan की diet में आपको क्या changes करने हैं वो भी हम बात करेंगे. तो start करते हैं कुछ general tips से. सबसे पहला point है कि सहरी की जो diet menu है वो बेहद ध्यान से चुनिए. अगर आप dry carbs जैसे कि breads, buns, pizzas, बर्गर, कुकीज या बिस्किट्स या बहुत ज्यादा वीट कंज्यूम करते हैं तो आपको दिन भर प्यास लगती रहेगी. इनके अलावा और भी कुछ फूड्स हैं जो आपको डिहाइड्रेट करेंगे. वो फूड्स हैं सॉल्टी फूड्स जैसे कि अचार, पापड़, भुजिया, नमकीन, फरसान, चिप्स और पकोड़े. टी और कॉफी डायुरेटिक्स हैं और ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड वाटर को भी एक्सक्रीट करके आपको डिहाइड्रेट कर देते हैं. शुगरी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स जैसे कि पकोड़ा, आलू बोंडा, फ्रेंच फ्राइज या कटलेट्स, ये सिर्फ आपको दिन भर थर्स्टी तो फील करवाएंगे ही, साथ में आपके इंसुलिन लेवल्स को भी स्पाइक करेंगी और आपको दिन भर भूख लगती रहेगी और मीठा खाने की भी इच्छा हो सकती है. इसीलिए इन फूड्स को आप अवॉइड करिए. सेकेंड टिप है रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ फूड. आपकी बॉडी को अपनी भूख और प्यास की फीलिंग्स को कंट्रोल करने में 3 से 4 दिन लगते हैं. इसीलिए शुरुआत के 3 से 4 दिन मोस्टली सभी लोग सुहूर में ओवर ईटिंग कर लेते हैं. इस कारण कई लोगों को नौशिया, जी घबराना या उल्टी होने वाली फीलिंग्स होना या हेडेक्स होना स्टार्ट होने लगते हैं. इसीलिए आप क्या खा रहे हैं उसके साथ आप उस खाने को कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं ये भी जरूर ध्यान रखिएगा. अगला पॉइंट है हाइड्रेशन. क्योंकि दिन भर आपको पानी नहीं पीना है तो बॉडी का हाइड्रेशन तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है, जिस कारण आपको थकान, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए जरूरी है कि इफ्तार और सहरी के बीच वाला जो टाइम है उसमें आप 2 से 3 लीटर पानी जरूर से पिएं. स्पेशली अगर रमजान समर टाइम में है या आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं जहाँ मौसम हमेशा ड्राई रहता है, तो पानी के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करके रखती हैं, जैसे कि वेजिटेबल जूसेस, सूप्स, कोकोनट वाटर, क्यूकम्बर, टमेटोज, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बेसिल सीड्स. अगला पॉइंट है एक्सरसाइज. रमादान के दौरान एक्सरसाइज बेसिकली डिपेंड करती है आपकी एज, मेडिकल इश्यूज और वेट एंड बॉडी गोल्स पर. रमादान के दौरान किसी को भी बहुत ज्यादा वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करनी चाहिए. चलिए वर्कआउट प्लान ड्यूरिंग रमादान को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं वेट लॉस प्लान फॉर मसल बिल्डर्स एंड वेट गेनर्स. अगर आप ऑलरेडी मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं या वेट गेनिंग के प्रोसेस में हैं, तो रमादान में आपको सिर्फ अब तक की डेवलपमेंट को सस्टेन करना चाहिए. मसल बिल्डिंग गोल को रमादान के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं. इस समय आपकी सेल्स ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड रहती हैं और आपका स्टैमिना ऑटोमेटिकली लो रहेगा. सो डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड. मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट हफ्ते में 3 to 4 times आप करिए एंड मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करिए, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग को नहीं करिए. नाउ वर्कआउट प्लान फॉर वेट वॉचर्स. अगर वेट लॉस आपका एम है तो इफ्तारी के बाद 45 minutes ऑफ वॉक करने से आपको बेनिफिट मिलेगा. वॉकिंग के अलावा अगर आप चाहें तो योगा भी ऐड कर सकते हैं. आपके हार्मोनल बैलेंस को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. जो डायबिटिक लोग हैं और रोजे रखते हैं उन्हें 30 minutes to 45 minutes ऑफ वॉक डेली करनी ही चाहिए ताकि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रह सके, आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर बुरा असर ना पड़े. कमिंग टू वर्कआउट प्लान ड्यूरिंग रमादान फॉर थायरॉयड एंड पीसीओडी प्रॉब्लम. आपको भी इफ्तारी के बाद 45 मिनट्स की वॉक करनी ही है, बट साथ में योगा पोजेस भी हैं जो बेनिफिट भी करते हैं और उन्हें करने से आप अपने हार्मोनल बैलेंस को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं. तो आप अपना वर्कआउट टाइम इस तरह से रख सकते हैं. आप योगा का 30 minutes सेशन इफ्तारी के 1 घंटे पहले कर सकते हैं. आई नो रमादान एक फेस्टिवल टाइम है और आप सभी अपने प्रेयर्स के बाद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलते होंगे एंड साथ में सेलिब्रेट करके इफ्तार लेते होंगे, तो एवरीडे बेसिस पर ये वर्कआउट रूटीन मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 3 times भी अगर ये रूटीन फॉलो कर पाएं तो आपके हेल्थ पर खासा बेनिफिट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे. थायरॉयड के लिए आप करिए ये आसन. आप शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं
इन्वर्टेड पोज यानी लेग्स ऑन वॉल एट 90 डिग्री एंगल रख सकते हैं। आप फिश पोज कर सकते हैं, प्लॉप पोज कर सकते हैं, कैट पोज भी कर सकते हैं, कैमल पोज और कोबरा पोज। इन वर्कआउट को आप एंड करिए विद अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल ब्रीदिंग। इन ब्रीदिंग टेक्निक से आपको थायराइड ग्लैंड पर बेहद पॉजिटिव असर होता है। नाउ पीसीओडी एंड पीसीओएस अगर आपको है तो रमजान में वर्कआउट आपको सिमिलर पैटर्न में ही करना है जो हमने थायराइड के लिए डिस्कस किया। जो योगा पोजेज आपके लिए हैं पीसीओडी में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो इस तरह से हैं: बटरफ्लाई पोज, रिक्लाइनिंग बाउंड एंजल पोज, चर्निंग मिल पोज, फ्रॉग पोज, और इसके बाद आपको भी अपना वर्कआउट अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से एंड करना है। थायराइड और पीसीओडी प्रॉब्लम में डाइट में क्या चेंजेस करने हैं और रमजान में मेडिसिन आपको कब लेनी है और कितनी लेनी है, ये सारी डिटेल्स हमने आगे डिस्कस करी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैंपल मेन्यूज फॉर सहरी एंड इफ्तारी ड्यूरिंग रमजान फॉर वेट लॉस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस डाइट प्लान को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम है सैंपल वेट लॉस डाइट प्लान ड्यूरिंग रमजान फॉर एवरेज मेडिकली फिट पर्सन वांटिंग टू लूज वेट। सेकेंड कॉलम है हाइपोथायरॉयड एंड वेट लॉस डाइट ड्यूरिंग रमजान के लिए। एंड थर्ड कॉलम में हम पीसीओडी एंड पीसीओएस प्रॉब्लम में आपको रमजान में क्या खाना है ये डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट मेन मील्स कॉमन है बट मेडिकल इश्यूज एंड हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ चीजें डिफर करती हैं जो हम आगे चार्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सहरी से। रेगुलर वेट लॉस में आप ले सकते हैं एक ग्लास लूक वार्म वाटर विद लेमन एंड 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स। जिनको थायराइड है वो अपने दिन की शुरुआत करिए एक ग्लास टर्मरिक टी के साथ। इसमें आपको उबलते पानी में 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालना है। लेमन ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है वो अपने दिन की शुरुआत ग्रीन जूस के साथ कर सकते हैं। इस जूस में आपको यूज करना है बॉटल गॉर्ड यानी लौकी, मिंट लीव्स यानी पुदीना के पत्ते, क्यूकुम्बर, अदरक और लेमन का जूस। इसे चर्न करने के बाद आप इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स हैंडी नहीं है तो आप सिनेमन टी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक ग्लास पानी में कुछ सिनेमन की डंडियां डालकर उसे बॉईल करना है। इसमें आप थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, कुछ मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। अब जो मेन मील ऑप्शंस हैं, ये तीनों कंडीशंस के लिए सेम है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप ले सकते हैं किनवा पुलाव विद वेजिटेबल्स। आप इसे पिलाव की जो रेसिपी होती है उसी तरह से बना सकते हैं और साथ में थोड़ा हमस ले लीजिए, ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। या फिर आप ले सकते हैं जौ यानी बार्ली के आटे की रोटी या फिर होल व्हीट फ्लावर की 2 रोटी। साथ में आप लीजिए सब्जी 1 से 2 बोल। साथ में आप कोई भी लेंटिल की करी ले सकते हैं, जैसे राजमा, चना, छोले, चवली, या फिर आप ले सकते हैं 1 बोल फिश या चिकन की करी। अगला ऑप्शन है ब्रोकन व्हीट दलिया विद वेजीज, और साथ में आप ले सकते हैं 1 बोल ऑफ कर्ड या फिर चिकपी करी। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2-3 eggs इन ऑमलेट फॉर्म विद वेजीज, और साथ में आप ले सकते हैं 1 रोटी या 2 रोटी। तो ये थी आपकी सहरी की मेन मील। टू गो विद दीज ऑप्शंस आप एक छोटा सा डेजर्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे दिन भर आपकी क्रेविंग्स जो है वो डाउन रहेंगी। नाउ बिकॉज हमें शुगर अवॉइड करना है, आप इनमें से कोई भी हेल्दी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप कुछ डेट्स और कोकोनट को मिक्स करके लड्डू रेडी बना के रख सकते हैं और एक छोटा सा लड्डू ले सकते हैं अपनी सहरी के साथ। या फिर अगर आप दिन बहुत एक्टिवली स्पेंड करते हैं और आपको अपने ऑफिस या बिजनेस में जाना होता है तो आप ले सकते हैं 1 बोल योगर्ट विद फ्रूट्स एंड बेसिल सीड्स। योगर्ट एक प्रोबायोटिक होने के कारण फास्ट के दौरान आपकी गट हेल्थ को भी ठीक रखेगा और आपको दिन भर भूख से भी बचाए रखेगा। अगला ऑप्शन है बॉटल गॉर्ड एंड डेट्स की खीर। इसमें डेट्स की नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है और आपको अलग से इसमें शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती। अगला ऑप्शन है डेट्स और नट्स का बार। आप डेट्स का पल्प निकालकर उसमें कुछ नट्स को बाइंड करके उसका लड्डू या बार फॉर्म में इसको बना के रख सकते हैं हैंडी। अगर आप ये सब आइटम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली 1 या 2 डेट्स भी ले सकते हैं। इस मील के साथ आपको एक हेल्थ ड्रिंक भी ऐड करना चाहिए ताकि आपको दिन भर प्यास ना लगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर विद बेसिल सीड्स, बटर मिल्क विद फ्लैक्स सीड्स। याद रखिए बटर मिल्क में आपको रेगुलर सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट यूज करना है ताकि आपको दिन भर प्यास ना लगे। और अगला ऑप्शन है लेमन वाटर विद रॉक सॉल्ट एंड बेसिल सीड्स। तो ये थे सहरी के कुछ ऑप्शंस।
Now coming to iftari, आप अपने traditional तरीके से यानी दो dates और एक glass शरबत के साथ अपना fast open कर सकते हैं, but because हम weight loss की बात कर रहे हैं तो शरबत की extra sugar आप avoid करने के लिए इनमें से कोई भी drink आप ले सकते हैं. कोकोनट वाटर विद बेसल सीड्स, या फिर कैरेट एंड बीटरूट का जूस विद पोमोग्रेनेट, या फिर आप ले सकते हैं एक मिक्स फ्रूट बोल. कुछ देर बाद मेन मील में आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस विद वेजीज. इसके साथ आप लीजिए चिकन या फिश का स्टू. सेकेंड ऑप्शन है मिंस्ड मीट या मैश्ड चिकन इन हर्ब्स विद स्टर फ्राइड कॉलीफ्लावर या ब्रोकली. जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो इसमें कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की जगह पर कैरेट्स और बीन्स यूज कर सकते हैं. अगला ऑप्शन है हलीम. इसमें आप मटन की जगह चिकन यूज करिए. ये एब्सोल्युटली हेल्दी डिश है और नीडेड प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिंस का इसमें सही मिश्रण है. अगला ऑप्शन है एक कप चिकन या एग की बिरयानी. साथ में आप ले सकते हैं एक कप क्यूकुम्बर एंड चिकपी की सैलेड. अगला ऑप्शन है 150 ग्राम्स तक कोई भी कबाब, और इसके साथ में आप चाहें तो योगर्ट की डिप भी यूज कर सकते हैं या फिर साल्सा डिप भी यूज कर सकते हैं. अगर आप इफ्तारी के एक घंटे बाद 45 मिनट्स की वॉक कर पाते हैं तो वीकली एक या दो मील आप फ्री मील्स भी रख सकते हैं फॉर आउटिंग्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बस याद रखिए ओवर ईटिंग नहीं करनी है. जो भी आपकी पसंद की चीज है उसे आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाइए और कोशिश करिए कि फ्राइड फूड्स को आप अवॉइड करिए. कमिंग टू बेड टाइम, रेगुलर एक ग्लास वार्म वाटर और साथ में थोड़ा सा बेसिल सीड्स और नींबू का रस ले सकते हैं. जिनको थायराइड है वो टर्मरिक और जिंजर मिल्क ले सकते हैं. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है, ये आपको काफी हेल्प करेगा. और जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है ये या तो सिनेमन टी ले ले या फिर टर्मरिक टी इन वाटर ले ले. तो ये था सैम्पल डाइट प्लान फॉर ऑल द कंडीशंस ड्यूरिंग रमादान फॉर वेट लॉस. नाउ कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, थायराइड मेडिसिन को खाने के साथ कंज्यूम नहीं करते क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है. इसीलिए जो लोग सुबह एक टैबलेट लेते हैं उन्हें अपनी सहरी के एक घंटे पहले अपनी मेडिसिन ले लेनी चाहिए. एंड जो लोग इतनी सुबह नहीं उठ पाते या ये वन आवर गैप कायम नहीं रख पाते उनके लिए बेस्ट है कि दवाई आप सुबह ना लेकर रात को खाने के दो घंटे बाद लेके फिर आप सो जाइए. नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान और हाउ अबाउट फॉलोइंग अ कीटो डाइट प्लान ड्यूरिंग रमजान. इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसके पीछे की साइंस क्या है ये हमने अपने इस वीडियो में समझाया है, आप इसे चेक कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट आपको या तो 16 घंटे की फास्टिंग करनी है या 18 आवर्स की फास्टिंग करनी है. फैट लॉस आपकी बॉडी में 14th आवर से स्टार्ट होता है. तो बेसिकली अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपनी इफ्तारी और सहरी के टाइमिंग्स को उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा. हमने जो सैंपल डाइट प्लान मेंशन किया है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी सेम सैंपल यूज कर सकते हैं. इसमें खाली आपको अपने खाने की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा. जहां हमने दो रोटी मेंशन किया है वहां पे आप एक रोटी खाइए. अगर आप रमजान में कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा. इसमें सहरी में आपको लेना है एक ग्लास वार्म वाटर विद 2 teaspoons ऑफ कोकोनट ऑयल. आप चाहें तो इसमें एक्सोजेनियस कीटोजेनिक सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं. और इसके साथ में आप लीजिए 3 whole एग ऑमलेट विद चीज एंड बटर एंड वेजिटेबल्स. हाइड्रेशन के लिए ध्यान रखिए सहरी के टाइम आपको 1 liter पानी पीना ही पीना है. इफ्तारी में आप फ्राइड फिश, फ्राइड चिकन विद केल या स्पिनच ले सकते हैं. आप फिर एग रिपीट कर सकते हैं, कीटो आटा की रोटी और चिकन करी या फिश करी भी यूज कर सकते हैं. प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैप्पी ईटिंग.